जो हमारे वज़ीर तलीम हैं शफ़का महमूद साहब, उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में आप लोगों के इम्तहानात और आप लोगों की छुट्टियों के बारे में सारा कुछ क्लियर कर दिया है। होप आप लोगों के इस वीडियो से जो है वो अभी सारा कुछ पता चल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनकी कंप्लीट वीडियो, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक इस तरह की ट्रू एजुकेशनल न्यूज़ की वीडियोज़ जो हैं वो पहुँचती रहें। तो सुनिएगा कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने क्या बात जो है वो आप लोगों के लिए बयान की गई है। हमने कोशिश की कि हम सबको साथ लेके चले और अल्लाह के ताला के फजल करम से हम सबको साथ लेके चले। जब हमने स्कूल बंद करने का फैसला किया तो हमने सबके मशावरत से फैसला किया। उसके बाद जब हमने इम्तिहानात के बारे में फैसला किया, सबके मशावरत से फैसला किया और हमने बहुत सारे इकदाम उठाए जिसमें मुख्तसरन में अर्ज करना चाहता हूं, क्योंकि सारे स्कूल बंद हो गए थे कि फौरी तौर पर हमें कोई ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए कि बच्चों की तालीम जो है वो किसी ना किसी तरीके से जारी रह सके। तो हमने लॉकडाउन होने के 15 दिनों के अंदर स्पीकर साहब हमने टेली स्कूल का इजरा कर दिया और वो टेली स्कूल जो है वो रोज 10 घंटे सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बच्चों को मुख्तलिफ क्लासेस के लेक्चर जो है वो आपको टेलीविजन पर नजर आते हैं। और फिर हमने तशहीर की, पेरेंट्स को, वालदैन को, सबको बताया कि ये काम जो है ये तालीम के शोबे में हो। अब हम और भी कुछ करने वाले हैं, हम एक रेडियो स्कूल भी शुरू करने वाले हैं जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि रेडियो के जरिए भी अवाम तक जो है वो पहुंचा जाए और भी मुख्तलिफ तरीके। हम ये जो मुश्किल वक्त है कौम के ऊपर, हम इस मुश्किल वक्त को एक अपॉर्चुनिटी भी समझते हैं। हम समझते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के हम तालीम के जो दूर से तालीम जिसे डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं उसको बेहतर करने के हमें कई मौके मिलेंगे और उसको बेहतर करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन खुदारा ये एक छोटी सियासत जिसे पेटी पॉलिटिक्स कहते हैं उसकी नजर हर चीज को ना करें, हर चीज को उसकी तरफ ना देखें। ये गौर करें कि हमने सब चीजों को बैलेंस करके चलना है और हमने वहां जहां हमने सेहत का ख्याल रखना है वहां हमने मईशत का भी ख्याल रखना है। और आगे की जाते हुए कई चीजें हैं उसके ऊपर हमें इत्तफाक राय करना चाहिए। इत्तफाक राय हमने हेल्थ की फैसिलिटीज को बेहतर करना है अगर हमने आगे बढ़ना है। बदकिस्मती है कि जब हमें वबा फैल रही तो महसूस हुआ कि पिछले कई दहाइयों से हमने सेहत की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। हमें सेहत की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। हमें यह भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो क्लस्टर्स हैं जहां लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं एक ही जगह पे, शादियां होगी, स्कूल, इसीलिए हमने स्कूल बंद किए, उनका हमें ख्याल करना पड़ेगा और उनका ख्याल करके उनको लेकिन साथ साथ हमने जिंदगी के शोभा जात जो है उनको भी खोलना है। तो ये एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके और दुनिया से भी सीखे, दुनिया में भी अब बैलेंस्ड अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं तो और बैलेंस्ड अप्रोच से ही हम